आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक के अंदर अगर आपको सेंड कोड वाया जो वीओ जो भी ऑप्शन आ गए ये शो नहीं होते। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि उनको सेंड कोड का जो ऑप्शन है वो शो नहीं होता है। यहाँ पे बस इंटर पासवर्ड टू लॉग इन यही ऑप्शन लिखी आती है। तो कैसे आप अपना फेसबुक वापस ले सकते हैं, क्या कोई ऑप्शन है, किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम ठीक करनी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों की कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन अभी मेरे सामने शो रहे वो शो नहीं होते हैं और वेरिफिकेशन कोड लेने का कोई भी जो यहाँ पे ऑप्शन है वो नहीं दिया गया है। किस तरीके से आपको क्या करना है चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस वाले पेज पर आना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा। फॉरगेट पासवर्ड पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, फ़ोन आपने जिस मोबाइल नंबर का यूज़ करके अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देनी है। अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो ईमेल यहाँ पे आप लगा देंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, दोनों में से कोई भी आपका अकाउंट में दोनों में से एक चीज़ होगी उसको आपको लगा देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप ये करोगे प्रोसेस, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस लगी हुई है या फिर आपने मोबाइल नंबर डाली है उसके ऊपर एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड यानी OTP सेंड हो जाएगी फेसबुक की तरफ से, जो कि आपको यहाँ पे डालनी है। और जैसे आप उसको फिल करते हैं डालते हैं उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे बस अपनी पासवर्ड जो है आपको नई पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जाएगा, नई पासवर्ड आपको लगानी है और उसके बाद आप जो है अपना फेसबुक एक्सेस कर पाओगे। तो ये प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा।